स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं। वार्ड नंबर एक का परिणाम आ चुका है और रमेश कुमार ठस्का जीत चुके हैं, वो बाहर आने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। की जीत पर बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बधाई तो अपने जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे इलाका वासी जो भी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत भारी समर्थन दिया है, मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनकी बातों में पूरा खरा उतरेंगे। जो भी काम करेंगे उसको विकास के लिए हमारा जो एजेंडा था पहले भी, और इसी एजेंडा को हम तैयार रखेंगे और विकास के काम के लिए। तो कितना अंतर रहा जीत का, बताएंगे जरा? जीत का अंतर हमारा 1334। हाँ जी, जोर से जरा। 1334 वोट से। 1334 कुल कितने वोट पड़े आपको? एक अभी क्लियर कर, क्लियर अभी चलो आंकड़ा देना है। तो चलिए आपको जीत को, तो फिर क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी जीतने के बाद? बहुत से वादे आपने किए हैं इलाके में घूम घूम के। हमारा तो यही वादा था, विकास का काम करेंगे और यही अब बाद में भी रहेंगे, विकास का काम करेंगे हम। जी जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। जी जीतने के पश्चात भाजपा प्रत्याशी रमेश ठस्का अब अपने समर्थकों के बीच में आ रहे हैं। समर्थक गले मिलाकर मिलकर जो उनको बधाई दे रहे, आप देख सकते हैं। नमस्कार जी, विजय का निशान। अरे इस तरफ ले लो। भारतीय जनता पार्टी। बधाइयां दे रहे हैं लोग भी और महिलाएं, देख सकते हैं आप। माल्यार्पण कर रहे हैं समर्थक, देख सकते हैं। रमेश जी बताना चाहें, क्या है इतनी भारी जीत की आपको उम्मीद थी? मेरे को तो उम्मीद थी कम से कम हम 3000। अच्छा, लेकिन जितना भी जनता ने समर्थन किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसे पहले वार्ड में 1009 वोटों से आप पिछड़े, तो आपको क्या लग रहा था उस वक्त? था भी हम 100% जीतेंगे, यानी कन्फर्म था आपको? और तीसरे चौथे राउंड में एकदम से बढ़त बना लिया आपने। वाह जी वाह, चलिए भाई। हेलो, समर्थक विजय श्री का निशान मना रहे, आप देख सकते हैं। बहुत ही उत्साह समर्थकों में इस वक्त है। तो रमेश कुमार का ये विजयी जलूस इस वक्त जो है आड़त यानी अनाज मंडी में प्रवेश कर रहा है। समर्थक उनके चारों तरफ से उनको घेर कर अनाज मंडी की तरफ ले जा रहे हैं। तो 1334 वोटों की एक निर्णायक जीत रमेश कुमार ठस्का ने वार्ड नंबर जो है एक से प्राप्त की है। भाजपा के ये प्रत्याशी रहे, निकटतम प्रतिद्वंदी सही राम को उन्होंने पराजित किया। रमेश कुमार ठस्का की जीत की खुशी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। ढोल बजाकर आतिशबाजी के साथ पटाखे छोड़े जा रहे हैं आसमान पर।
रमेश कुमार ठस्का जो कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से विजयी रहे हैं, अब उनका काफिला ग्रामीण क्षेत्र की तरफ निकल रहा है। उनके समर्थकों द्वारा उन्हें खुली कार में जो है सवार करा दिया गया है। नोटों के हारों से वो सुसज्जित और उनके सैकड़ों समर्थक उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं काफिला अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ यानी उनके अपने वार्ड के गाँव की तरफ वो बढ़ेंगे। आप चल पड़े हैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, ये देख सकते हैं आप रमेश कुमार ठस्का भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे थे और उनके सैकड़ों समर्थक अब निकल पड़े हैं। एक लंबा काफिला उनके समर्थकों का, खुली जीपें खुली कारें आप देख सकते हैं, उनके समर्थक काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे, ये देख सकते हैं उनके समर्थकों की खुशी का मंजर, ढोल की थाप पर जो है खुशी का इजहार। रमेश कुमार ठस्का के जो है समर्थक इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी ब्लॉक समिति के प्रत्याशी भी जो जीते हैं वो भी किसी से कम नहीं, वो भी अपने समर्थकों के साथ खुली गाड़ियों में निकल पड़े हैं। ब्लॉक समिति के विजयी भी किसी से कम नहीं। फिलहाल तो रमेश कुमार ठस्के का ये काफिला ग्रामीण क्षेत्र से निकलेगा, देख सकते हैं आप हाथ हिलाते हुए विजय जुलूस निकालते हुए